आज माँ यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार में जाती थी, अब की बार में केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहाँ, मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहाँ, ये मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है, विश्वास प्रबल है परमात्मा क्यों ना आएगा, आया। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार, भाभी खड़ी थी दरवाजे पर, जैसे ही देखा भाभी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है, क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा किस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहां, वहां भी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी, हवाई लगाई, भैया आए, क्या बात है बहन यमुना, क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है, भैया आपको निमंत्रण देने आई हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे यहां। ठीक है, दोनों भाइयों ने यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए, रोज निमंत्रण करती थी नहीं आए, पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया, आइए। और आए शनि महाराज और यमराज, स्वयं पधारे ब्रजराज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले, शनि महाराज और यमराज, जीजी बोल तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही थी, अश्रु की धार। महाराज एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह, अश्रु की धार बह रही है, मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती है, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते हैं, तू इतना सा मांगती है, यमुना मैं तुझे वर देता हूं, यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना साढ़े साती लगेगा ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी साढ़े साती सताता है ना कभी ढैया शनि सताता है। मैं तुझे वर दूं, आज वही